प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को जुटी है न्याय दिलाने में। गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का जारी करने के मौके पर यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति की राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बनाई जाएंगी 15 समितियां। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने लखनऊ में घोषणा की कि उनका दल उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगा। और कल से प्रयागराज में शुरू हो रही कुंभ की भव्यता और दिव्यता का सजीव प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने की है व्यापक तैयारियां। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में जुटी है। नई दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर स्मारक सिक्का जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। पीएम मोदी ने अपने आवास पर आयोजित समारोह में समाज के कमजोर वर्गों के लिए गुरु गोविंद सिंह के संघर्ष और सेवाओं का उल्लेख किया। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी हो या फिर गुरु नानक देव जी, हमारे हर गुरु ने न्याय के साथ खड़े होने का सबक दिया है। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज केंद्र सरकार 1984 में शुरू हुए अन्याय के दौर को न्याय तक पहुंचाने में जुटी है। दशकों तक माताओं ने, बहनों ने, बेटे बेटियों ने जितने आंसू बहाए हैं उन्हें पहुंचने का काम, उन्हें न्याय दिलाने का काम अब कानून करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त 1947 में जो चूक हुई थी, करतारपुर कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का प्रामाणिक प्रयास है। अथक और अभूतपूर्व प्रयास से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब गुरु नानक के बताए मार्ग पर चलने वाला हर भारतीय, हर सिख दूरबीन के बजाय अपनी आंखों से नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा। अगस्त 1947 में जो चूक हुई थी ये उसका प्रायश्चित है। हमारे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था, लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया। ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का एक प्रामाणिक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इन दिनों पावन अवसरों पर जुड़ने का सौभाग्य विशेष रूप से मिला। सरकार ने फैसला किया है ये प्रकाशोत्सव देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो मनाया जाएगा, पूरे विश्व भर में हमारी एम्बेसी में भी इस समारोह का आयोजन होगा। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा महासचिव राम माधव सहित समिति के 20 सदस्य मौजूद थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र तैयार करने के लिए 15 समितियां बनाई जाएंगी जो देश के हर वर्ग की राय जानेंगी। 15 ऐसी छोटी छोटी कमेटीज भी बनेंगी जो कि समाज के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो भागीदार हैं, उनके साथ जाकर वो सीधा संवाद स्थापित करेंगी कि अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या हमको करना चाहिए, इस संबंध में उनके सुझाव लेंगे और उसी आधार पर संकल्प पत्र तैयार होगा। सपा बसपा गठबंधन से बाहर हुई कांग्रेस ने प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सपा बसपा ने उनको गठबंधन से बाहर रखने का फैसला किया है। यह फैसला दोनों पार्टियों की अपनी सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर हरा सकती है।
इसलिए प्रदेश में अब पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर कोई और दल साथ आना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प खुले हुए हैं। सबने ये चैलेंज कबूल किया है और उसी दृढ़ता से, उसी मजबूती से हम उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी तैयारी पूरी है। हमने ये नहीं तोड़ा, उत्तर प्रदेश की और राष्ट्र की जनता को भी ये मानना चाहे, हमने ये गठबंधन नहीं तोड़ा। हम चाहते थे कि गठबंधन इसमें ज्यादा से ज्यादा आ जाए। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद इसे अपने यहां लागू किया है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि 14 जनवरी से सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी के बाद यह फैसला उन नौकरियों में भी लागू होगा जहां घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। यह 10% आरक्षण पहले से लागू किए गए आरक्षण से अलग दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा पहले से अधिक लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सपा बसपा गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से भाजपा को अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अवसरवादियों का मिलन है जो केवल सत्ता मोह के तहत है। डॉ शर्मा आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के अनावरण के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। विपरीत विचारधाराओं वाले दलों का आपसी सत्ता मोह बंधन हुआ है और सत्ता मोह बंधन का मूल कारण यह है कि सबको डर है मोदी जी और योगी जी के कार्यों से, और डरे हुए लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ने का और जीतने का सपना देख रहे हैं। मुरादाबाद में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन भाजपा से हार के डर के कारण हुआ है, इसे भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और वे इस बार और दमदार तरीके से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 51% वोट हमारे हैं, बाकी में सभी का बंटवारा होना है, इसलिए हमें चिंता नहीं है। यह गठबंधन 1989 और 1993 में भी हुआ था, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के विकास कार्यों से ये सभी डरे हुए हैं, इसलिए इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गठबंधन निजी महत्वाकांक्षाओं का, स्वार्थ का और सत्ता प्राप्त करने का गठबंधन है। इसके ऊपर जनता कभी भरोसा नहीं करती। दावा करते हैं 51% का, 50% से ऊपर वोट हमारे, बाकी में कोई बंटवारा करे। कि इस तरीके के गठबंधनों की न तो उम्र लंबी होती। जनता को फैसला ये करना है कि जनता को मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हाथ मिलाया। किस दिन गठबंधन टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार देर शाम लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने भी आए और अपनी बात भी रखी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सपा बसपा के गठबंधन पर खुशी जताई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और अब यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया होगा। मायावती से हमें मार्गदर्शन मिले हैं और इनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर्व पर बुंदेलखंड के जनपद ललितपुर में कर्तव्य बोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी जी का संकल्प था कि ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जो भारत के दर्शन, संस्कृति और मूल्यों के अनुकूल हो। आज सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय भी ऐसे शिक्षा नीति पर काम कर रही हैं।
इन आयोजनों के द्वारा देश के युवाओं खासकर नई पीढ़ी तक स्वामी जी के आदर्शों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग माननीय स्वामी विवेकानंद जी के इस जयंती कार्यक्रम में सभी शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सभी टीचर्स इस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं कि हम शिक्षक बच्चों के लिए आगे अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई और इनको राष्ट्र के लिए देश की सेवा अच्छी तरह से करते रहें। और आइए अब देखते हैं प्रयागराज कुंभ से जुड़ी खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कुंभ क्षेत्र स्थित एक्यूप्रेशर उपचार शिविर के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने मिंटो रोड स्थित एक्यूप्रेशर अस्पताल का निरीक्षण किया और उपचार के तरीकों और परिणाम आदि की जानकारी स्वयं हासिल की। मरीजों के साथ बातचीत कर उपचार के अभिभूत मंत्री ने कहा कि एक्यूप्रेशर संस्थान कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मुख्य शिविर के उद्घाटन के पश्चात श्री चौबे ने कहा कि हमारे साथ ही आयुष मंत्री भारत सरकार श्रीपद नाइक एवं मंत्रालय भी इसे जल्द से जल्द मान्यता देने की दिशा में सक्रिय हैं और अवश्य कुछ परिणाम जल्द नजर आएंगे। इसके लिए आयुष मंत्री भी सहमत हैं जिससे इसके पठन पाठन और मान्यता को विधिवत रूप से मान्यता मिल जाएगी। बहुत बड़ा कुंभ इस बार मुझे लगता है कि विश्व स्तर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि टेंट भी लगाए गए हैं, वहाँ विदेशी पर्यटक भी आकर के या स्वदेश भारत के भी लोग रह सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और आम जनता का भी सहयोग काफ़ी है। मुझे लग रहा है कि ये कुंभ सचमुच में देश को एक दिशा देने का, मार्गदर्शन देने का काम करेगा। कुंभ 2019 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर कल से शुरू हो रहा है। जितनी तैयारियां पुलिस और प्रशासन ने लोगों को सुविधाएं देने के लिए की हैं, वैसे ही दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने कुंभ मेले के सजीव प्रसारण की व्यवस्थाएं की हैं। क्या हैं व्यवस्थाएं, इसके बारे में हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के उप महानिदेशक पीपी शुक्ला के साथ की है एक विशेष बातचीत। कुंभ मेला 2019 अपने में जितना अभूतपूर्व होगा, इसका प्रसारण भी उतना ही अभूतपूर्व है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इसे दुनिया और देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, एक एक पल को यादगार बनाने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो हमारा प्रयागराज का कुंभ है 2019, इसमें देश विदेश से जितने भी लोग पधारेंगे तो राम कृष्ण भगवान बुद्ध की इस धरती पर, गंगा मैया की इस धरती पर उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और कुंभ के कार्यक्रमों को देश विदेश पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने काफ़ी बड़ी व्यवस्था की है। यहाँ पे हमने करीब 150 के करीब अपना स्टाफ लगाया है। साथ में सेक्टर 4 में हमारा एक अस्थाई छोटा सा, एक तरह से कह लीजिए, दूरदर्शन केंद्र स्थापित है। और कुंभ के अलग अलग क्षेत्रों में हमारी DSNG लगी हुई हैं। जितने भी स्नान हैं इनका हम सजीव प्रसारण करेंगे, साथ ही तकरीबन रोज हम 3 घंटे का विभिन्न समय अवधि पे प्रसारण करेंगे। प्रातः 8 से 9 हमारा कुंभ दर्शन कार्यक्रम होगा, उसके बाद शाम को 7:30 से 8 सीधे कुंभ का सजीव प्रसारण होगा। उसके बाद जो यहाँ की कल्चरल इवेंट्स हैं वो रात में 10 से 11 हम उनका प्रसारण करेंगे। तो कुंभ केवल धर्म ही नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का बहुत बड़ा संगम होता है। और हमारा प्रयास होगा कि इस संगम को हम देश विदेश में अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। ये आपने कहा कि बहुरंगी संस्कृति यहाँ पर उनका समागम होता है जी,
तो उस समागम को के हर पलों को किस तरह से कैद करने के लिए कितने कैमरों की व्यवस्था की गई है, क्या आपके पास एडिट शूट और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या कुछ है? हमारे जो प्रमुख स्नान पर्व का प्रसारण है उसके लिए हमने 24 कैमरा सेटअप लगाया है और हमें यह सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने आगामी संभावनाओं को देखते हुए इसको HD प्रसारण के माध्यम से हमने करने की कोशिश की है। और साथ ही हमारा जो सेक्टर 4 में मेन कैंप है वहाँ पे हमने एक पूरा कंट्रोल रूम स्थापित किया है, हमारा एक स्टूडियो है वहाँ पे, हमारा एक PCR है वहाँ पे, हम एडिट सूट लगा रहे हैं जिससे हम पूरे क्षेत्र के को अधिकतम कवरेज दे सकें और अधिकाधिक हम साधु संतों और कल्चरल प्रोग्राम को कवर कर सकें। इसी के साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि दूरदर्शन तो दूरदर्शन, साथ में जो आकाशवाणी है वहाँ से भी दूरदर्शन के प्रसारण की बृहद व्यवस्था की जा रही है और आकाशवाणी पूरे कुंभ की अवधि के दौरान अपना एक कुंभवाणी चैनल चलाएगा, FM चैनल है जो प्रातः 5:55 से लेकर रात में 10:05 तक केवल कुंभ संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा और साथ ही जो कुंभवाणी के कार्यक्रम हैं ये YouTube पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध होंगे जिससे इसको जो है देश विदेश में इसकी उपलब्धता हो सके। कहा गया है कि गंगा तद दर्शनार्थ मुक्तिम, मुक्ति के लिए वो लोग जो गंगा का दर्शन करने के लिए नहीं आ पाते हैं अपने घरों में हैं, निश्चित रूप से दूरदर्शन उन्हें उनके घर तक पहुंचाएगा। सुल्तान अहमद के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज प्रयागराज। कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके लिए व्यापक और बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। मेला क्षेत्र में चिकित्सा विभाग के द्वारा सभी सेक्टरों में अस्पताल बनाए गए हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार डॉक्टरों की टीम मेले में मौजूद रहती है। कुंभ 2019 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सारी व्यवस्थाओं के साथ यहां पे स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां पे जगह जगह स्वास्थ्य के कैंप लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं जिनमें लगातार डॉक्टर लोगों को दवाइयां दे रहे हैं। हमारे साथ है आयुर्वेद चिकित्सालय से डॉक्टर साहब, आप बताएं यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई हैं। यहाँ इस मेले में हमारे यहाँ से 14 सेक्टर बनाए गए हैं, 17 सेक्टर है, 17 सेक्टर में हर सेक्टर में पूरी आयुर्वेद की दवाइयाँ अवेलेबल है। जिस तरह के रोगी हो, परेशानी हो, चाहे जो भी परेशानी है, हमारा विभाग इसके लिए हमेशा तत्पर है 24 घंटे। और जो भी आने वाले यहाँ के मेला के कर्मचारी साधु हैं और अगर यात्री हैं, सब पर्यटक वगैरह सब लोग हैं, उनकी हर व्यवस्था के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। क्या कुछ खास सुविधाएं हैं आपके यहाँ आयुर्वेद में, क्या क्या चीजें सबसे खास होती हैं? जैसे कि यहाँ किसी भी तरह के रोगी आवे उनके लिए उपचार की समुचित व्यवस्था है। सेक्टर 2 में काली मार्ग पर 8 बेड का चिकित्सालय भी स्थापित है, जो पेशेंट ज्यादा उसमें परेशान हो जाए, ज्यादा उनको भर्ती करने की जरूरत हो तो सेक्टर 2 में व्यवस्था 8 बेड का चिकित्सालय संचालित है। मरीज के लिए समस्त बीमारियों के उपचार हेतु दवाएं पर्याप्त मात्रा में, हाँ, पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध हैं हर तरह के मरीजों के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो यहाँ कुंभ के दर्शन हेतु आएंगे कुंभ नगरी में, अगर कोई उनको दिक्कत होती है तो उनके स्वास्थ्य के यहाँ पे व्यापक इंतजाम स्वास्थ्य व्यवस्था के किए गए हैं। विकास सिंह, DD न्यूज प्रयागराज। ये थे हमारे संवाददाता विकास। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। तीर्थराज प्रयाग कुंभ का आकर्षण दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। बोले सोनिहाल शस्त्री अकाल, सतनाम वाहे गुरु के नाम पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में संगत आगे आगे सफाई करती हुई निर्मल पंचायती अखाड़े की पेशवाई चल रही थी। पेशवाई बैंड बाजे संग धूमधाम से प्रयागराज शहर के विभिन्न रास्ते से होते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंची। पेशवाई में एक दर्जन से अधिक महामंडलेश्वर एवं सैकड़ों महात्मा शामिल हुए। आज निर्मल अखाड़ा की ये पेशवाई निकल रही है और ये पेशवाई सभी अखाड़ों की इसलिए निकाली जाती है कि सभी संत महात्मा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अपने आराध्य भगवान के साथ, आराध्य ग्रंथों के साथ अपने अपने अखाड़ों में प्रवेश करते हैं और एक शाही ये सवारी निकाली जाती है
शाही प्रवेश निकाला जाता है ताकि सभी जनता भी इसमें सम्मिलित हो, जनता को निमंत्रण भी दे और सम्मान के साथ संत महात्मा अपने अखाड़ों में प्रवेश करते हैं। कन्नौज जिले के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को प्रयागराज कुंभ और कन्नौज के बीच के इतिहास को बताया जा रहा है। लोग इतिहास जानने के लिए संग्रहालय में आ रहे हैं। यहां चित्रकारी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कन्नौज के चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन हर 5 वर्ष बाद कुंभ जाते थे और वहां लोगों को बड़ा दान किया करते थे। इतिहास के जानकार व पुरातत्व बचाव समिति के पदाधिकारी विकास अवस्थी ने बताया कि इस बात का जिक्र चीनी यात्री वेन श्वांग ने अपनी पुस्तक में किया कि सम्राट हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान करके कुंभ से आते थे। कि प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुंभ मेले में जो सांस्कृतिक विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई इतिहास को लेकर, उसमें कन्नौज का भी जिक्र है। कन्नौज के म्यूजियम की मूर्ति को वहां पे जगह दी गई है। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन की कहानी जो भी दानवीरता को लेकर जो भी इनके बारे में कहा जाता है उसको लेकर वहां वॉइस रिकॉर्डिंग बजाई जाती है, तो कहीं ना कहीं कन्नौज का जिक्र वहां पे आया। इसलिए यहाँ भी जो लोगों को युवा साथियों को पता चला जो इतिहास में रुचि रखते हैं तो उनमें जश्न का माहौल है। और ये आप जो पीछे देख रहे हैं हमारे पीछे, ये भी एक प्रदर्शनी के रूप में यहाँ म्यूजियम में मौजूद है। प्रयागराज के कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हैं। रेल प्रशासन ने 3 मार्च तक अयोध्या व फैजाबाद जंक्शन से 39 मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। इनमें से अयोध्या जंक्शन से 16 व फैजाबाद जंक्शन से 23 ट्रेनें अलग अलग दिन रवाना होंगी। ये ट्रेनें रूटीन ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। इसके अलावा अयोध्या में 2 अतिरिक्त टिकट काउंटर, 2 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। सभी ट्रेनें अयोध्या फैजाबाद सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचेंगी और ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त 4 स्टेशन अधीक्षक, 3 स्टेशन मास्टर सहित रेल कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। बहुत बढ़िया कर दी साहब व्यवस्था जाने जाने की, योगी मोदी जी को धन्यवाद जो व्यवस्था मतलब पूरी ट्रेन की सही बढ़िया बना दी। मैं जयपुर से आया हूँ राजस्थान और प्रयागराज जाना है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है रेल प्रशासन ने और इस समय जो रेल मंत्री हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने कम से कम दर्शनार्थियों के लिए इतना अच्छा कार्य किया है और आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहे, हम लोग यही चाहते हैं। यही एक गुजारिश है इस सरकार से रेलवे प्रशासन से, इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाकुंभ जो कि एक ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो बहुत भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसके लिए प्रधानमंत्री और हमारे रेल मंत्री महोदय ने बड़ी व्यापक व्यवस्था की है और किसी यात्री को कोई असुविधा न हो इसलिए पर्याप्त गाड़ियों की व्यवस्था भी की है और तमाम इंतजाम किए हैं। फैजाबाद जंक्शन से ओरिजिनेट होकर चलने वाली गाड़ियां और अयोध्या मिलाकर कुल 39 गाड़ियां यहीं चलाई जा रही हैं और इसके लिए फैजाबाद में पर्याप्त हर तरह से व्यवस्था की है, स्टाफ की, बुकिंग टिकट खिड़की की, चिकित्सा सुविधा की सारी व्यवस्थाएं प्लेटफॉर्म पे ही की गई हैं और लगातार उसके लिए प्रसारण हो रहा है। किसी भी यात्री को कोई असुविधा नहीं, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष में मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू त्यौहार है। हापुड़ में सुबह से ही खिचड़ी का प्रसाद वितरित कर मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही जिले के गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगा नदी तट के दोनों ओर जगह जगह गरीबों को कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया और जगह जगह खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। मकर संक्रांति पर मुख्य स्नान करने का महत्व है कि इस दिन से सब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है, सभी तीज त्योहार जो हमारे जो आज से शुरू हो जाएंगे और इस पर विशेष महत्व यह है कि लोग बाग दान पुण्य वस्त्र आदि का दान करते हैं, जिसमें खिचड़ी भी है, गुड़ चावल भी है, चीनी भी है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, जैसा कि माना जाता है कि सुबह सुबह गंगा स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, तो सब अपने अपने पाप धुलने के चक्कर में सब लगे हुए हैं, नहा रहे हैं सब लोग। और अब मौसम।
लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कई स्थानों पर आज से अगले कुछ दिनों तक सुबह और शाम सामान्य से लेकर घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं भारतीय मौसम केंद्र के मुताबिक न्यूनतम तापमान का गिरना आज तक रहेगा। वहीं मंगलवार से रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को जुटी है न्याय दिलाने में। गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का जारी करने के मौके पर यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति की राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बनाई जाएंगी 15 समितियां। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने लखनऊ में घोषणा की कि उनका दल उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगा। और कल से प्रयागराज में शुरू हो रही कुंभ की भव्यता और दिव्यता का सजीव प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने की हैं व्यापक तैयारियां। इसी के साथ हमारा यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।